अनंत अंबानी और राधिका की शादी को लेकर कई खबरें आ रही है, लेकिन जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है वो है अनंत अंबानी की शादी में बम की धमकी। इसी धमकी को लेकर मुंबई पुलिस चौकन्नी हुई और मंगलवार को धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपित शख्स ने सोशल मीडिया पोस्ट पर अंबानी के घर बम होने की धमकी दी थी। पुलिस के मुताबिक 32 वर्षीय आरोपी गुजरात का रहने वाला है और पेशे से वह एक इंजीनियर है। पुलिस के एक अधिकारी ने मीडिया एजेंसी को बताया कि आरोपी का नाम विरल शाह है और वह वडोदरा का निवासी है। अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान अपराधी का पता वडोदरा में चला। इसके बाद मुंबई अपराध शाखा की एक टीम को गुजरात भेजा गया और आरोपी को वडोदरा से पकड़ लिया गया। अब आरोपी को मुंबई लाया जा रहा है। इससे पहले मुंबई पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया था। अनंत अंबानी की शादी में बम की संभावित धमकी से संबंधित एक सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। ये है वो पोस्ट जिसने चंद मिनटों में मुंबई पुलिस को हक्का बक्का कर दिया। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर FFSFIR नाम के यूजर ने किया था। इस पोस्ट में उसने लिखा था कि अगर अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में बम विस्फोट हो जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था उलट जाएगी। इस पोस्ट की सूचना एक नागरिक ने पुलिस को दी, जिसके आधार पर अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट को खंगाला। पुलिस ने इस बम की धमकी को एक अफवाह माना, लेकिन मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में आयोजित विवाह समारोह के आसपास सुरक्षा बढ़ा दिए गए थे।